हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से बताओ, अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं और अभी जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो 11th के लिए। तो एक बार फुल्ली एनर्जेटिक होके स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? तो क्लास 11th जो चैप्टर चला हुआ था, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आर यू रेडी? यस। तो करते हैं बता, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं बता। अब हमने पिछली क्लास में पैरेलेक्स मेथड पढ़ा था डिटेल में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स। हम पढ़ रहे थे फोर एस्टिमेटिंग या फोर एस्टिमेट बिफोर मेजरिंग वेरी इस सेटिंग से पहले एक मिनट रुके, ये निकल रहेगी, नेक्स्ट टॉपिक आएगा। एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, कि कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है तो आप उसका साइज कैसे एस्टिमेट करेंगे। लाइक मून, जैसे आपको मून का अगर नाम, मून एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। तो वेरी सिंपल कंसेप्ट बेटा, इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए टेलीस्कोप। किसकी हेल्प से? एक टेलीस्कोप की हेल्प से मेजर कर सकते। अब हम उस प्रोसेस को देखेंगे जिससे कैलकुलेट किया जाए, तो उस प्रोसेस का डिस्कशन करते हैं। दिस इज तो प्रोसेस का डिस्कशन स्टार्ट करूं तो हमें एक चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो क्या है? दिस इज अवर अर्थ, और यहां स्कोप पॉइंट पे हमने टेलीस्कोप रख दिया। तो ये हमारे पास मून, दिस इज मून, जिसे हम चंदा मामा बोल सकते हैं। तो ये चंदू मामा हमारा, भाई मेरा एक फ्रेंड भी है, कई एक दो फ्रेंड है चंदू, तो वो ना थोड़ा सा इसको दिल पे ले, इस बात को चंदा मामा ही बोल लेते हैं, कहीं दिल पर जाओ यार, सॉरी। बाकी आप भी किसी के तो मम्मा बनोगे, मेरे भाई तो मेरे बच्चों में मम्मा बनोगे, सॉरी 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 सॉरी। जिनका मैं मामा हूं, क्या आप भी मामा हुए, पता नहीं क्या निकल जाता है। तो वापस चलते हैं। अब आपको करना क्या, बिल्कुल सिंपल सा काम होता है। यहाँ इस पॉइंट पे टेलीस्कोप रखा होता है विद सर्कुलर स्केल ऑफ एंगल। एंगल मापने का इस पे सर्कुलर स्केल होता है। अब आपको करना क्या है, पहले इस टेलीस्कोप को इस पॉइंट पे फोकस करना है, इस किनारे पे, इस साइड को मैंने ए बोल लिया। फिर आपको इस टेलीस्कोप को रोटेट करवा के इस तरफ घुमा के घुमाते जाना है, और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट इस किनारे पे फोकस करना है। क्लियर है? अब मून का और अर्थ का डिस्टेंस आपको पता है, ये एंगल आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, थीटा इज इक्वल टू अर्थ बाय रेडियस। तो क्या आपके पास इस अर्थ की वैल्यू नहीं आ जाएगी? यस और नो? बिल्कुल आ जाएगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, प्लेस ए टेलीस्कोप एट पॉइंट ओ ऑन अर्थ। And focus it on one side or end of the astronomical object. उस astronomical
ऑब्जेक्ट के साइज पे हम इसको फोकस करें, क्लियर है? नाउ रोटेट द टेलीस्कोप, focus it on the diameter diametrically, बिल्कुल इसके diametrically opposite end पे, opposite end of astronomical object जिसका आप measure करना चाह रहे हो। Let's telescope is rotated through an angle theta. ये ऐसे करो, ऐसे नहीं करते, मेजर द एंगल थ्रू विच टेलीस्कोप इज रोटेटेड, लेट इट इज थीटा। हमने क्या मान लिया, कितना है थीटा। अगर ये बड़ा होता तो भी एंगल भी क्या हो जाना था, बड़ा हो जाना था, तो उसके हिसाब से वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो उसका साइज भी बढ़ाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने कर लिया, एक सेकंड में चेक कर लो बेटा, कई बार वीडियो बीच में रुक जाती है, तो एवरीथिंग इज ओके। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, तो लेट एक्स इज द डिस्टेंस, पर डिस्टेंस को एस से लेते हो तो एस से ले लिया, डिस्टेंस ऑफ मून या एस्ट्रो, जिस भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, फ्रॉम अर्थ, और ये आपको नोन होता है, जब आपको ये पता होगा तब ही आप निकाल पाओगे। तो ये हमने मान लिया एस। Now, angle is equal to arc by radius. तो थीटा जो है वो अर्थ क्या है, अर्थ ए बी, ठीक है, और रेडियस एस। तो हमें साइज किससे पता चलेगा, अर्थ ए बी इज इक्वल टू थीटा इंटू एस। अब बेटा जो डिस्टेंस है ये काफी बड़ा है, तो ये डिस्टेंस, ये वाले आर्क की लेंथ, ये इसका डायमीटर नियरली सेम आएंगे, क्या आएंगे, सेम। तो एज डिस्टेंस एस इज वेरी लार्ज, सो आर्क ए बी इज इक्वल टू डायमीटर ए, क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इट इंप्लाइज डायमीटर ए बी इज इक्वल टू एंगल इनटू डिस्टेंस। और डायमीट्री तो हमारे पास क्या, किसके इक्वल होता है, डायमीट्री तो किसी चीज का क्या बताता है, साइज। तो साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल, तो आप लोगों के पास ये चीज निकल के आती है, क्या आप समझ पाए? तो बिल्कुल इजी सा था, कुछ नहीं करना, बस थीटा मेजर करना है, उसी तरह चलता। तो ये था बेटा साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, हम कैसे निकालते हैं। अभी में जो क्लास चल रही है हमारी बेटा, आप लोगों को बता दूं, वो जस्ट एनसीईआरटी बेसिस है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कवर करेंगे, तो हम एनसीईआरटी के भी आप पे चल रहे हैं, एक्स्ट्रा बुक्स में कुछ कोई पॉइंट देते हैं किसी में कोई, अभी उसका डिस्कशन नहीं कर रहे, तो इसी पे फोकस करें तो आपका क्लास में आना है। उसके लिए मैं अलग से कॉम्पिटिटिव क्लास जल्दी स्टार्ट करूंगा, पर शायद टाइम लगे अभी, क्योंकि एक बार सिलेबस भी कंप्लीट करवाना, फिर उसके बारे में सोचेंगे, पर सेशन के एंड तक आप लोगों को मिल जाए शायद,
तो कभी के लिए जितना पढ़ा आधा है पहले वो पढ़े। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि अब हम जो स्मॉल डिस्टेंसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। एस्टिमेटिंग लिख सकते हो या कैलकुलेटिंग या मेजरिंग, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते। तो इसके अंदर आपका एक टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड है, तो उसको आप हेडिंग बना के लिखें एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। देखो कितनी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स अपने आप में। एक मॉलिक्यूल जो शायद हमें दिखता तक नहीं किसी सब्सटेंस में, उस मॉलिक्यूल का साइज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आई से मॉलिक्यूल अभी विजिबल भी नहीं होता, तो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? एक एनर्जी के साथ काम करो बेटा, तब अच्छे से सीख पाओगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। डिस्कशन कैसे किया गया? ओलिक एसिड लिया गया, तो ये स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को, करना क्या है कि 1 cc, सीसी की फुल फॉर्म मैंने पहले भी डिस्कस की थी, सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि सिंपल इतना होता है कि जो एक सेंटीमीटर की 3 पावर होती है उसको निकालता है। तो इतनी वॉल्यूम ले ली हमने ओलिक एसिड की, क्लियर है? एक टाइप का एसिड होता है, फॉर्मूला में बता देता हूं। एक सेकंड, C15 शायद, बेटा एक सेकंड, एनसीईआरटी में तो नहीं है पर शायद श्योर नहीं हूं, C15 है या 17, H32OH इस तरीके से है कुछ, बट इसको मैं भी डिस्कस करके कंसल्ट करके बता दूंगा। यहाँ 15 है या 17 है श्योर नहीं हूं। अब इसको होल्ड कर ले, तो इस पे आ जाए एक बार कंसेप्ट का है, इसको मैं लिखवा दूंगा। तो ओलिक एसिड हमने लिया, उसमें कुछ एल्कोहल ऐड किया। आज एल्कोहल ही ऐसा है, वैसे गलत चीज है नहीं लेना चाहिए, कहीं आप लेना स्टार्ट कर दो, पर एक बेसिक इकोनॉमिक इनकम जो कर रही देश की, और साथ साथ सैनिटाइजेशन में तो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया किल करने में यूज होता है, तो किसी चीज के पॉजिटिव इंपैक्ट की तरफ जाएं कि बैक्टीरिया कितने अच्छे से किल कर रहा है, ना कि अपने पेट के कीड़े मारने के लिए। तो गलत चीजें होती है वो नेगेटिव में टाप की इम्यूनिटी वीक होती है, उन जो आपके आसपास इस चीज का सेवन कर रहे हैं उन्हें भी रोके। तो ये चीज बात करके हमने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर की, टोटल 25 सीसी सॉल्यूशन मान, ठीक है? अब इस सॉल्यूशन में से 1 cc सॉल्यूशन ली और इसमें फिर से एल्कोहल ऐड किया, और फाइनली हमने जो सॉल्यूशन बनाया वो 20 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन। चीज समझ आई? नहीं आई होगी, अभी समझाते हैं। सीजन कौन सा चल रहा है? गर्मियों का, बिल्कुल नींबू पानी का सीजन चल रहा है, शो ठीक है? और इस टाइम पे तो भाई देखो सच्चाई है, आप लोगों ने फील किया होगा, मैंने भी किया होगा, छोटे थे भी बचपनी है, तो एक बड़ा गर्मियों के टाइम में कभी जेठ का महीना चल रहा है तो छबील लगती है जगह जगह, वो ठंडा मीठा पानी पिलाते हैं। तो जब भी छोटे थे गांव में थे तो पूरा पता नहीं, उस दिन तो एक दिन तो पूरी मौत हो जाती।
दो दो चार चार गिलास एक डालना फिर दूसरा भैया और डालना और फिर कटक जाते थे। जब पेट फुल हो जाता तब आगे चलते थे, फिर एक दो घंटे बाद फिर पहुंच जाते भैया थोड़ा सा मीठा और डाल के दो, तो मतलब मजा आता था। वो बचपन की यादें, बचपन के दिन अभी भी मिस करते हैं। एक आध बार कॉफी जी लेते हैं, कहीं रोड पे जा रहे हो तो रोड की बाइक और आने दे भैया एक ग्लास, ठीक है, और टेस्ट आ जाए तो दो भी चलते हैं, तो उसे एक दिन तो सभी की मौत होती है, ठीक है। तो वही चीज से एक एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ से रिलेट कर। आप लोग मान के चलो उस पे मत जाओ, उसका भी ले सकते हैं कि वहां ने शुगर ऐड की, 1 kg शुगर ऐड की, उसमें कुछ वाटर ऐड किया, तो टोटल 25 यूनिट बना ले, ठीक है। टोटल 25 यूनिट हमने गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार कर लिया, 25 लीटर बोल सकते हो, 25 किलो में ही मान लो, वैसे तो वॉल्यूम लीटर में होती है पर चलो मैं केजी में मान लेता हूँ समझाने को। अब इसमें से मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक बड़ा बर्तन है, अब उसमें से मैंने 1 kg जो मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार हुआ था और उसमें और वाटर ऐड कर लिया। ऐसे करते तो लोग देखते हैं, मैं समझाता हूँ, हम पहले आप लोगों ने देखा भी होगा था बनाते तो एक बड़े से बर्तन में चीनी घोल ली जाती है, फिर मान लिया 5 ड्रम में डालनी है तो 5 में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हमने 25 किलो सॉल्यूशन बना लिया और अब हमें 20 ड्रम बनाने हैं, तो हर एक में एक एक ऐड कर दिया तो 20 किलो। तो यहाँ कितनी पहुंची वो देखना, शुगर कितनी है इसके अंदर, कितनी है इसके अंदर शुगर, अगर देखा जाए 25 में से एक यूनिट ही है तो 1/25, ठीक है। अब हमने और 20 यूनिट वाटर ऐड कर दिया तो यहां पे भी उसका कितना बच गया, इसका भी 20th बच गया, यानी 1/50 इतनी यूनिट बच गई, क्लियर है। ऐसा नहीं तो समझ लो कि दूसरा एग्जांपल भरे पड़े हैं हमारे पास। हमने क्या किया, 1 kg नींबू लिया, चलो मैं इससे मत कंपेयर करूंगा, इससे कम गर्मियों बचने के लिए मान लिया आपके माइंड में दिमाग आया कि रोज, सॉरी आपके माइंड में दिमाग के दिमाग में आइडिया आया कि हर रोज नींबू निचोड़ने से अच्छा है कि आपने पूरे महीने के 30 दिन के 30 नींबू इकट्ठे निचोड़ दिए, क्लियर है। और अब उसमें से एक नींबू का 30 दिन का बन गया, एक नींबू का रस निकाल और उसमें से 5 ग्लास बना लिए, क्या बना लिए 5 ग्लास, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो 5 गिलास में अगर मैं 1 गिलास में नींबू का हिस्सा देखूं तो 1 नींबू का 1/5 पार्ट आ रहा है, यस और नो, क्लियर। अब अगर मान लिया आप एक दिन बना रहे थे, दूसरे दिन आपने 5 ग्लास बनाए और 5 मेंबर ऐसे लॉजिकल बात कर लेते हैं, चलो चेंज करो थोड़ा सा, आपने आप तो कहोगे कि मेरा चेंज करने का रीजन ये है कि शिकंजी बनाने का मन हो जाए आप लोगों का, तो क्या करेंगे, हमने 1 नींबू का रस डाला और 2 गिलास बना रहे थे, ठीक है। तो 2 गिलास हमने बना तो 1 नींबू में कितना आया, 1 गिलास में आधा नींबू आपके आपके ग्लास में प्रेजेंट हो, पर अब गलती से आपके 2 फ्रेंड और आ गए, भाई नींबू पानी पी रहे हो आपका हिस्सा भी जा रहा, तो गलती से ही आ गए, वैसे तो चीजें बांट के खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, पीनी भी बांट के चाहिए, तो बात कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि बस 1 नींबू से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कल का कोटा कम हो जाएगा, तो 1 नींबू में ही एडजस्ट करने की सोची और उसी 1 नींबू के रस को 4 ग्लास में ट्रांसफर कर दिया, तो अब 1 के हिस्से में कितना आया 1/4। तो यही तो चीजें हम समझा रहे हैं कि जैसे जैसे चीजें ऐड करोगे, 2 बार काम कर लिया, 1 को पहले 2 में बनाया तो आधा होगा, फिर 2 से 4 बना दिया यानी डबल और कर दिया तो फिर 1/4 नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि 1 से हमने 25 बना तो 1/25
और फिर उसकी उसमें से एक यूनिट निकालना, जैसे हमने एक नींबू का रस, उसमें से और वाटर ऐड करके फाइनली ये 20 यूनिट है बेटा यहाँ पे। अच्छा ये तो मैंने अलग एग्जांपल ले लिया ना, 20 यूनिट ऐड किया तो इसमें कितना बचा, 1/500 बचा है। तो ये चीज आपको समझानी थी, आई होप क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ कितना होगा 1/25 और यहाँ पे 1/25/20 यानी 1/500 कितना रह गया ओनली कैसे। एक सेकंड, आई थिंक मुझे ओनली कैसे का फॉर्मूला भी ध्यान आ गया है, दैट इज C17H32O, ओलिक एसिड में COH होगा। तो एक सेकंड रुके बेटा, हम कंटिन्यू में बैठी होगी। तो अब क्या करना है, वाटर सरफेस पे एक पाउडर डालते लाइको पोडियम पाउडर। अब कहोगे ये क्या किया सर, ये ऐसा पाउडर होता है जो वाटर के सरफेस को टफ बना देगा, एक टफ लेयर बना देता है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसकी एंड्रोप ओलिक एसिड की एंड्रोप डाल देनी, और ड्रॉप डालने से मैं मान लेता हूं ओलिक एसिड इस पे ऐसे फैल गया वाटर के सरफेस पे, उसने एक लेयर बना ली मॉलिक्यूल्स की। क्लियर है, मॉलिक्यूल्स की एक लेयर प्रिपेयर कर ली। आप बुक से पढ़ना और इस कंसेप्ट को वीडियो से देखना, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से चीजें एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं आप लोगों के लिए। और अब आपको क्या करना है, इस लेयर के अंदर इसका एरिया कैलकुलेट करो, लेट इट इज ए, और मान लिया जो ये लेयर बनी है इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस भी तो होगी, वो थिकनेस है टी, थिकनेस कितनी है टी। तो ये दोनों चीजें आपने कैलकुलेट कर ली, ए और थिकनेस टी। तो यहां से वॉल्यूम निकालो और उसमें से ओलिक एसिड की वॉल्यूम निकालो, दोनों क्या बराबर होंगी, आंसर होगा यस, जितना था वही जो लेयर में आया है। तो वहीं से हम क्या करेंगे, इसकी थिकनेस कैलकुलेट करेंगे और थिकनेस से साइज का पता लगेगा। तो ये आपको साइड में बनाना है, फर्स्ट पोर्शन में तो ये रफ में, फिर ये तो स्टार्ट कर लेता हूं फटाफट। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, टेक 1 cc ऑफ ओलिक एसिड C17H32COOH and mix it with alcohol to make 25 cc solution। फिर क्या करना है, take 1 cc of this solution and add more alcohol to it, more alcohol to it so that we get 20 cc final solution।